देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मानी मऊ हरदोई रोड पर अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सदर कोतवाली से 5 किलोमीटर की दूरी पर एकांत में बनी अगरबत्ती फैक्ट्री में सुबह 7 बजे आग लग गई, जिसमें 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फैक्ट्री में आग लगते ही मालिक कर्मचारी मजदूर भाग गए। अग्निशमन कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। बताया जाता है कि फैक्ट्री में प्रति वर्ष आग लग जाती है। अग्निशमन अधिकारी के द्वारा जब से फैक्ट्री बनी है तब से 6 बार आग को बुझाया गया है। मेहंदी घाट चौकी क्षेत्र के हरदोई रोड से मंडहारपुर गांव के जाने वाली सड़क पर एकांत में बनी कई वर्षों से अगरबत्ती फैक्ट्री जलती है, जिसमें छोटी बड़ी आग प्रति वर्ष लग जाती है। रविवार सुबह 7 बजे फैक्ट्री में 1 दर्जन से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। आग लगने से 3 मजदूर बुरी तरह से जल गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आग लगते ही मालिक व बाकी मजदूर भाग गए। आग की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। किसी फैक्ट्री में आग लगी है, क्या पूरा मामला? जनपद कन्नौज के मढ़ारपुर तिराहा में एक अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। इसलिए तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर आग को कंट्रोल कर रही हैं। इसमें 4 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और आग को काबू होने के पश्चात हुए मामले की जाँच। घायलों के लिए पर क्या स्थिति है? घायल अभी उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर के लिए कहने में थोड़ा सा भी समय लगेगा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।